फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अत्यंत जरूरी है भक्ति में। वन टाइप, इन चारों नियमों के बिना भगवत प्राप्ति या सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई प्रामाणिक संतों ने साधकों को ये चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करने की सलाह दी है। अगर ये चार नियम हम फॉलो करेंगे तो हम एक सिनलेस लाइफ जी पाएंगे और भक्ति की सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। पर ये चार नियम कौन से हैं और ये भक्ति में क्यों जरूरी है, आज इसी पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं ये चार नियम कौन से हैं। और पहला है मांस नहीं खाना। मित्रों, मांस खाना एक श्रापित एक्टिविटी है। मांस खाने से शरीर और मन में तमोगुण बढ़ता है। इस कारण हम आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। इस कारण हर साधक मांस खाना छोड़ दे और हर रोज सात्विक आहार ले। और दूसरा है नशा नहीं करना। मित्रों, नशा एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारा शरीर बर्बाद होता है। नशा हमारे बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है जिससे हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। नशा हमारे मन के साथ साथ बॉडी को भी डैमेज कर देता है। इस कारण साधक जन दारू, हुक्का, सिगरेट, चाय, कॉफी, ड्रग्स आदि से सदैव दूर रहे। और तीसरा है जुआ वगैरह नहीं। मित्र, साधकों को गैम्बलिंग से बचना चाहिए। गैम्बलिंग हमारे चित्त को चंचल कर देता है। गैम्बलिंग एक बुरी आदत है जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। गैम्बलिंग हमें माया में डालता है और हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट बुद्धि से साधना वगैरह नहीं हो सकती, इसलिए साधक जन गैम्बलिंग से दूर रहे। और चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं। मित्रों, अवैध तरीके से स्त्री पुरुष संग करने से हमारा चरित्र खराब होता है। अनैतिक संबंध माया के प्रति गहरा आकर्षण पैदा करता है। अगर आपको संग करना है तो विवाह के बाद अपने ही पति पत्नी से करना है। अनैतिक संबंध रखना एक हेल्दी और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए अनैतिक संबंधों से बचे। मित्रों, यही वो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं ये चार नियम क्यों जरूरी हैं। मित्रों, आपने भागवतम में कली और परीक्षित महाराज की स्टोरी अवश्य सुनी होगी। परीक्षित महाराज अपने बाणों से कली को मारने ही वाले थे, पर कली ने महाराज से शरण मांगी और पृथ्वी में इन चार स्थानों पर रहने लगा। और पहला है मांस में, दूसरा है नशे में, तीसरा है जुए में और चौथा है अनैतिक स्त्री संघ में। ऐसे इन चार स्थानों पे कली का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इन चार कामों से बचा रहेगा तो उसके जीवन में कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण इस्कॉन और बड़े बड़े आचार्य ये चार नियम हमें दिए हैं। ये चार नियम फॉलो करने से कली हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा और हम पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे। आज के लोग ये चार काम भर भर के करते हैं। इस कारण आज के लोग पाप के मूर्ति हैं। ये चार काम नरक में जीवन प्रदान करते हैं। इस कारण साधकों को इन चार कामों से सदैव बचना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। ये चार नियम हमें कली से बचाएंगे और नाम जप हमें माया से बचाएगा, इसलिए चार नियम और नाम जप की साधना रोज करते रहें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसे लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।